की शुभकामनाएं। हाँ ओके ओके क्वेश्चन करें। अच्छा ओके तो सबसे पहले तो मैम दिवाली आ रहा है जी, इस साल की दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं तो हर साल बहुत सीधे तरीके से करती हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम मना सकते हैं दिवाली, तो जो नहीं मना सकते उनके लिए भी ये लगता है कि वो भी मनाएं, मतलब घर का स्टाफ है या बाकी और भी लोग हैं बाहर, क्योंकि और ख़ुद दिवाली मनाओ और दूसरों को मनाने दो, पोल्यूशन का ध्यान रखो और ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखो, और वो दिवाली को जो है एक मंगलमय वातावरण उसमें तैयार करो। ये नहीं है कि दिवाली की में ये हो गया, नुकसान हो गया, वो हो गया, पटाखों की वजह से प्रॉब्लम हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये नहीं, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है तो खुशी से मनाना चाहिए, उसके बाद भी खुशी होनी चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए कि अरे दिवाली में ये हुआ था, बट खुद आनंद एक्सपीरियंस करो, दूसरों को भी करने दो, दिवाली यू नो कि लॉकडाउन का 2 साल का जो पीरियड रहा है, उसके काफ़ी टाइम बाद अब लोग खुशियों से मनाने वाले हैं, हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लोग भी थोड़ा समझ गए हैं, थोड़ा संभल गए हैं, जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2 साल जो उन्होंने गंवाए हैं हम सब ने, वो ना वापस आ सकते हैं, उसमें जो नुकसान हुआ है लोगों का वो भी वापस नहीं आ सका, भर नहीं सकता। कुछ चीज़ें अच्छी हो गई है कि लोग एक दूसरे के नज़दीक आ गए, एक दूसरे की मदद करने लगे हैं, एक दूसरे के बारे में सोचने लगे हैं, मतलब ये एक अच्छा हुआ है, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि लोग अलर्ट हैं कि भैया बेकार में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेकार में जो है दिखावा नहीं करना चाहिए, मन से जो आपकी अच्छी या आपको जो जिन चीज़ों से आपको खुशी होती है, क्योंकि खुशी तो कैसे भी मिल सकती है ना, ऐसे कोई नहीं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सोची है, क्योंकि वो 2 साल के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है थोड़ी सी सीख मिल गई है लोगों को अभी। दिवाली में रंगोली आप खुद बनाते हैं कभी ऐसा? बनाती हूँ, आती है बनानी थोड़ी थोड़ी, जैसे मैं बना सकती हूँ, मगर अच्छा लगता है छोटी सी, मगर घर पर अच्छी बनाते हैं। हैप्पी दिवाली, खुद भी दिवाली मनाओ, दूसरों को मनाने दो, सब देखो कि हर जगह फिजिकली मेंटली मंगलमय वातावरण हो, और खुद जियो।